हाय, इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 154 एंड सेक्शन 155 ऑफ सीआरपीसी को समझेंगे, जो कि चैप्टर 12 के पहले दो सेक्शन है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि अगर एक विक्टिम के साथ एक ऑफेंस कमिट होता है, एक क्राइम होता है उस विक्टिम के साथ, तो वो विक्टिम कैसे अपनी इंफॉर्मेशन पुलिस तक पहुंचाएगा। तो ये दो इन दोनों सेक्शंस के अंदर बताया गया है। अगर मान लीजिए कि आप पुलिस हैं और आपके पास एक विक्टिम आता है और वो आपको अपने साथ हुई हुई दुर्घटना को बताता है, तो या दो चीजें होंगी, वो जो दुर्घटना हुई थी या तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ हुआ होगा या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ हुआ होगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब कि वो बहुत ही सीरियस ऑफेंस होगा, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब नॉन सीरियस ऑफेंस होगा, और ऐसे ऑफेंस के अंदर आप उस एक्यूज्ड को अरेस्ट नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास वारंट्स नहीं होंगे। लेकिन अगर यही कॉग्निजेबल ऑफेंस होता तो उस केस के अंदर आप उस पर्सन को अरेस्ट कर सकते थे, एक्यूज्ड को अरेस्ट कर सकते थे बिना वारंट के। तो जब आपके पास विक्टिम आया और उसने अपने साथ हुई हुई वो दुर्घटना बताई आपको, तो आपको ये पता होगा कि वो ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। तो अब वो जो ऑफेंस अगर कॉग्निजेबल है, तो हम सेक्शन 154 के अंदर जाएंगे। तो सबसे पहले सेक्शन 154 के अंदर तीन सब सेक्शंस दिए गए हैं। सबसेक्शन 1 के अंदर ये बताया गया है कि जब एक विक्टिम आपके सामने आएगा, मतलब कि अगर आप पुलिस हैं तो आपके सामने आएगा, तो वो आके आपको अपनी इंफॉर्मेशन देगा, वो बताएगा कि मेरे साथ ये दुर्घटना हुई। आप जो भी उस पर्सन ने आपको इंफॉर्मेशन दी है, जो विक्टिम है, जो भी उसने अपने साथ हुई हुई दुर्घटना की डिटेल्स आपको दी हैं, आप उन डिटेल्स को लिखोगे। लिखने के बाद आप उन डिटेल्स को उस विक्टिम के सामने पढ़ोगे और पढ़ के बताओगे कि आपने क्या लिखा है, और उसके बाद आप उस विक्टिम से वो जो उसने इंफॉर्मेशन दी है और जो आपने वो इंफॉर्मेशन लिखी है उसको साइन करवा लोगे। अब यहीं पे सबसेक्शन 2 के अंदर दिया गया है कि वो जो इंफॉर्मेशन आपने लिखी है, जिसको हम FIR बोलेंगे, उसकी कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट उस पर्सन को आपको देनी होगी। मतलब कि अगर आप पुलिस हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो कॉपी उस विक्टिम को देनी होगी। फिर यहीं पे से सबसेक्शन 3 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी गई कि अगर आप, मतलब कि अगर आप पुलिस हैं और आप इंफॉर्मेशन नहीं लिख रहे हैं उस पर्सन की, तो विक्टिम क्या कर सकता है, विक्टिम सीधी वो अपनी इंफॉर्मेशन सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भेज सकता है। और अगर उस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लगता है कि ये ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उस केस के अंदर वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उस केस की इन्वेस्टिगेशन या तो खुद कर सकता है या एक अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर को अपॉइंट कर देगा जो कि उस केस की इन्वेस्टिगेशन करेगा। जो पुलिस ऑफिसर उस केस की इन्वेस्टिगेशन करता है उसको IO कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। तो ये बात हो जाती है जब कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। यही कॉग्निजेबल ऑफेंस के बाद जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, तो वो उसकी पावर्स पुलिस की सेक्शन 156 से बताई गई है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे। अब हमें अगला सेक्शन समझना है, सेक्शन 155, जिसके अंदर बताया गया है कि अगर ऑफेंस जो है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, अगर ऑफेंस जो है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उस केस के अंदर क्या होगा। उस केस के अंदर जो पुलिस है, मतलब कि आप जो है वो उस पर्सन की रिपोर्ट लिखेंगे, लेकिन आप उसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे जब तक कि आप मजिस्ट्रेट से आपको मिल जाता है, आपको मजिस्ट्रेट की डायरेक्शंस नहीं मिल जाती। ऐसा सबसेक्शन 2 के अंदर लिखा गया है। उसके बाद इसके अंदर ये बताया गया है कि अगर मजिस्ट्रेट ये ऑर्डर्स कर देता है कि अब आपको इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो
अब आपके पास वही सारी पावर्स आ जाएंगी इन्वेस्टिगेशन की जो आपके पास सेक्शन 154 के अंदर होती, लेकिन आपके पास एक पावर नहीं होगी कि आप उस एक्यूज्ड को बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकते, ये पावर आपको अभी भी नहीं मिलेगी। उसके बाद इसी के सबसेक्शन 4 के अंदर बताया गया है कि अगर एक साथ दो ऑफेंस कमिट हुए हैं और उन दोनों ऑफेंसेस में से एक ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस है और एक ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उसकी प्रोसीडिंग्स जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस की तरह चलेंगी और सेक्शन 154 के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन ली जाएंगी और प्रोसीडिंग्स आगे चलेंगी। तो ये सब हमें सेक्शन 154 एंड सेक्शन 155 के अंदर बताया गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है पुलिस ऑफिसर की। अभी हमने सिर्फ इतना समझा कि पुलिस ऑफिसर तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी।